Redmi Note 4 के लिए Lineage OS 19.1 का एक लेटेस्ट बिल्ड आया हुआ है और लास्ट जैसे कि इसका भी रिव्यू जो है 2 मंथ पहले किया हुआ था और अभी तक में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तब उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ जो लास्ट 2 मंथ किया था, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बैटरी में कितना फ़र्क पड़ा है या बाकी सारी चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। और इंस्टॉलेशन जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा कि एंड्रॉइड वर्जन 12.1 मिलता है, लीनेज ओएस का वर्जन 19.1 है जो कि 31 अगस्त 2022 को आया है। ये अगस्त 2022 का सिक्योरिटी पैच है और कर्नल आपको जेडलोस वाला ही मिलता है, बट ये अपडेटेड है पहले वाले से। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ, तो नेटवर्क इंटरनेट में तो कोई चेंज नहीं, कनेक्टेड डिवाइस के अंदर भी हमारा जो कास्ट है अच्छी तरीके से काम करता है। और इसके ऐप्स में जाते हैं तो यहाँ पर जो है लॉन्चर में ज़रूर आपके इसके लॉन्चर के अंदर चेंजेस है। होम स्क्रीन में जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर स्क्रॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है और वॉलपेपर जूमिंग का, दोनों ही ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर में। हाँ, इसके अंदर जो हॉटसीट बैकग्राउंड दिया गया यानी कि डॉक के पीछे आप एक आपको बैकग्राउंड देखने को मिलता है, वो इसके अंदर काम नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, स्टार्टिंग में काम कर रहा था। अभी जब देखा मैं जब रिव्यू कर रहा था उस टाइम पर ये गायब हो चुका था और कई बार डिवाइस भी रिस्टार्ट करके देख लिया बट ये शो नहीं कर रहा था इसके अंदर। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट ये जो है पहले काम कर रहा था, अभी बिल्कुल भी आप देखोगे देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ी दिक्कत है, यानी कि परफेक्ट तो नहीं उतना सही से। बाकी आइकन्स में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन ऐप ड्रॉअर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड ओपेसिटी का ऑप्शन न्यू मिल जाएगा और यहाँ पे पहले रीसेंट का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, ऐड हुआ, जिसके अंदर मेमोरी इन्फो भी अब आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो वॉलपेपर उसकी वजह से थोड़ा सही से नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा उतना। बाकी ग्रिड स्टाइल आप इनेबल कर सकते हो इसको भी, तो ये भी चीज़ भी आपको मिल जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन पहले मिसलेनियस वाले में था बट यहीं पर रीसेंट पर ऐड कर दिया गया, बाकी के ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। और मिसलेनियस के अंदर से बस ग्रिड रिमूव होकर के यहाँ से अब रीसेंट पे चला गया है। बाकी यहाँ पे हाई हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप मिल जाता है, तो यहाँ से ऐप लॉक लगा सकते हो, हाइड कर सकते हो एप्लीकेशन को जैसे पहले था। और गेम स्पेस ये भी जो है गेम में पहले काम नहीं कर रहा था, अभी तो काम कर रहा है। हालांकि UI भी आगे आपको दिखा दूंगा, उस टाइम पर काम नहीं कर रहा था जब न्यू आया था। एंड यहाँ पे बैटरी के अंदर में चलते हैं तो बैटरी के हालांकि UI में आपको बिल्कुल चेंज नहीं मिलता, बिल्कुल सेम वही UI आपको, यानी कि बैटरी की जो सेटिंग्स है वो आपको सेम मिल जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 88% है, पहले जो है उस टाइम पे 85 था। तो बैटरी थोड़ी इंप्रूव हुई है, पहले से बेटर है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में भी आपको कुछ चेंजेस मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे बायोमेट्रिक वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है जो कि पहले नहीं था, इन कॉल वाइब्रेशन ये भी हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चार्जिंग साउंड है ये तो हालांकि पहले से ही था, बाकी यहाँ पे जो डायरेक्ट साउंड है इसमें थोड़ा चेंज हुआ, ऊपर आप देखोगे तो इमेज भी चेंज हुई पड़ी है। बाकी प्रीसेट्स भी आपको लेटेस्ट मिलते हैं बट ये मेरा काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप कमेंट करना अगर काम कर रहा है आपका तो। बाकी वाइब्रेशन इंटेंसिटी ये भी यहाँ पर नीचे आप देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले में चलते हैं तो डिस्प्ले के अंदर हमारा एक्स्ट्रा डी में सब पहले था, बाकी लॉक स्क्रीन के अंदर भी आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता था, रिफाइल इफेक्ट दिया गया जो कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऑफ कर सकते हो, ये सब पहले का है। और यहाँ पे आइकन से भी आपको पहले वाले ही मिल जाते, इतने ही पहले भी थे। और फिर नीचे यहाँ पे जरूर चेंज हुआ है कलर कैलिब्रेशन, ये पहले इस तरीके से नहीं था यहाँ पे मिल रहा था, अभी जो है मिल रहा है। बाकी मोनिट भी ये भी पहले हमें नहीं मिलता था, अब यहाँ पे जो है आपको देखने को डिस्प्ले के अंदर में ही मिल जाता था। कस्टम कलर भी आप चाहो तो लगा सकते हो यहाँ से। बाकी फिर रोटेशन है, टैप टू बैक है, नीचे के ऑप्शन में आपको किसी में कोई चेंज नहीं मिलता और सभी अच्छे से वर्किंग है, काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम वॉलपेपर स्टाइल की बात करते हैं तो इसके अंदर में भी आपको यहाँ पे जो है सिस्टम फॉन्ट्स देखने को मिलता है, जो कि ये भी जो है पहले यहाँ पे नहीं मिलता था, अभी फिलहाल हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। बाकी वॉलपेपर तो जो मैं यूज़ करो डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, एंड इसके अंदर जो वॉलपेपर मिलते हो सब पहले वाले हैं। और एक्सेसिबिलिटी भी सेम है, सिक्योरिटी के अंदर में भी आपको सेटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता, सिक्योरिटी भी आपकी वही सेम मिल जाती है ऐप लॉक के यहाँ पे, नहीं तो लॉन्चर के थ्रू ही यूज़ करना पड़ेगा। बाकी फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है, बस रिपल इफेक्ट ऑफ करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा जो कि डिस्प्ले के लॉक स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है हमारा जो फेस अनलॉक है वो भी आप देख सकते हो, बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। तो रिस्पांस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जैसा पहले था, उसी तरीके से अभी भी जो है अच्छे से काम कर रहा है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं मिलती है। और एक चीज़ और है कि अब डिजिटल बेलविंग प्री इंस्टॉल हमें देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे,
तो ये भी जो है गायब हुआ पड़ा है। बाकी सिस्टम में जाओगे तो इसके अंदर बटन के अंदर से जो है ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार इनेबल कर पाओगे, जो कि 2 मंथ पहले जो है क्या था कि यहाँ पे फिर जब हम जेस्चर में जाते थे यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन पहले ही शो करता था और उस बटन का काम ही नहीं था, क्योंकि यहीं पर एक हार्ड बटन के लिए भी दिया गया था जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते थे। हालाँकि जेस्चर फिर भी हमारा जो है यहीं से जो है ऑन हो जाता था, वहाँ के बटन का काम ही नहीं था। बाकी सेटिंग्स में तो ऐसा कोई चेंज नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है, जेस्चर भी और बटन भी आप यूज़ कर पाओगे, लेकिन हार्डवेयर बटन को साथ में यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ काम नहीं करेगा कि साथ में यूज़ कर पाओ, लेकिन यहाँ पे 3 बटन नेविगेशन या फिर जेस्चर की बात करें तो वो आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे जो है बटन जिसके अंदर से आपको ऑफ़ करना पड़ता, जो कि पहले इस तरह नहीं था, थोड़ा चेंज था। बाकी बैकलाइट हमारी काम करती है। और यहाँ पे भी जैसे कि अगर हम पावर मेन्यू की बात करें तो एडवांस रिस्टार्ट आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे और यहाँ पे उसे आपको चेंज देखने को नहीं मिलता, ये पूरा सेम है। और फिर यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर आपको स्मार्ट पुल डाउन ये न्यू देखने को मिल जाता है, जो कि उस टाइम पे नहीं था। ट्रैफिक इंडिकेटर हमारा काम कर रहा है। सिस्टम आइकन भी सभी सिमिलर हैं पहले वाले, बट यहाँ पे सिग्नल आइकन स्टाइल ये हमें मिल जाता है अभी, जो कि ये भी उस टाइम पर नहीं मिलता था। और यहीं पर जो है वाईफाई आइकन स्टाइल भी दिया गया है, जो कि ये भी हमें मिल जाता है न्यू, जो कि ये भी उस टाइम पर नहीं था। और माइक कैमरा प्राइवेसी और लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर ये भी दोनों मिल जाते हैं, जो कि ये भी नहीं थे। अभी ये सारी चीज़ें लेटेस्ट मिलती है। बॉल्टी आइकन पहले ही ऐड हो गया था। बाकी फिर यहाँ पे क्लॉक के सेटिंग्स बाहर ही एक दो ऑप्शन मिलते थे, बट अभी क्लॉक एंड डेट का पूरा सेटिंग्स आपको मिल जाता है। तो ये कुछ न्यू यहाँ पे मिलता है, इसमें भी आपको चेंजेस मिल जाएगा। तो ये पहले बाहर ही 2-3 सेटिंग्स मिल जाती थी। बाकी बैटरी में भी स्टाइल अब ऐड कर दिया गया लैंडस्केप वाला, चूँकि पहले ये भी नहीं था। और बैटरी परसेंटेज वन चार्जिंग भी मिल जाता है, बैटरी बार भी अब मिल जाता है, जो कि ये दोनों भी हमें नहीं मिलते थे, अब ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। और ब्राइटनेस स्लाइडर में तो पोजीशन का जो है यहाँ पे ऐड हो गया, जिसमें आप बॉटम या टॉप कर सकते हो। बाकी फिर क्विक यहाँ पे क्यूएस जो पैनल दिया गया पूरा न्यू है, जो कि हम ड्रैग करने के बाद जब देखते हैं तो वहाँ पे जो हमें सेटिंग्स मिलती है बैटरी वैटरी की, उसके लिए दिया गया था। तो क्यूएस जो यहाँ पे दिया गया तो उसके लिए है ये पूरा। लेकिन डाटा यूजेस जो दिया गया है ये वैसे बाय डिफॉल्ट पहले डाटा यूजेस हमारा इनेबल हुआ करता था, बट ऑफ करने के लिए कहीं पर ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। और जेस्चर के अंदर तो हालांकि पूरा सिमिलर आपको सेटिंग्स मिलेगा ही, जो फिंगरप्रिंट है आपका बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर ऐसा कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलता है। नीचे फिर अपडेटर एंड डेवलपर ऑप्शन जैसे कि पहले मिलता था, उसी तरीके से देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड गूगल डिस्कवर में वैसे आपको दिक्कत नहीं होता है। अगर स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर एक चीज़ आपको बताऊँ, इसका जो एनिमेशन है उसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, यानी कि जो 2 मंथ पहले जब रिव्यू किया था तो उसका जो UI है, एनिमेशन है, थोड़ा बेटर था अभी के मुकाबले। अभी जो है थोड़े बहुत लैग आपको मिलते हैं, UI में स्क्रॉल करोगे तो भी आपको मिलता है, जैसे कि YouTube पे भी स्क्रॉल करोगे वहाँ पे भी है। बाकी आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इस पे स्किप टाइमर आपको मिल जाता है, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लैग पहले भी आपको मिलता था जैसे कि बताया था, और अभी भी लैग हमें यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मिल जाता है स्टार्ट करने के बाद, लेकिन ये लैग मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। बट UI लैग अगर बात करें तो थोड़ा सा बड़ा है पहले के मुकाबले। बाकी वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड आप कर सकते हो। एंड ऐप ओपनिंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग में वैसा दिक्कत नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ओपन हो जा रहा है, आप देख सकते हो। और फास्ट ही है, उतना दिक्कत यहाँ पे फिलहाल हमें नहीं हो रही, बिल्कुल अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिसेंट स्टाइल भी एनिमेशन थोड़ा सा चेंज मिल जाता है, लेटेस्ट वाला है। बाकी नीचे जो ऑप्शंस मिलते हैं सब ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, मेमोरी इन्फो ये सब जो है आपको मिल जाएगा रिसेंट के अंदर में। बाकी यहाँ पे अगर हम कॉलिंग की बात करें तो वॉल्टी काम करता है इसके अंदर में, कैरियर वीडियो कॉल भी इसके अंदर वर्किंग आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पर ही काम कर रहा है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी जैसे कि मिल जाता है, सेटिंग्स इनेबल कर लेना, ये भी जो है आपका काम कर रहा है, तो कॉलिंग परफेक्ट है। एंड यहाँ पर जो हमारा कैमरा है ग्राफिनो इस वाला ही बाय डिफॉल्ट मिलता है इसके अंदर में। और ODFX जो दिया गया इसको भी ट्राई किया था बट मेरा काम नहीं कर रहा था ये भी। और इसके अंदर अगर आप GKM इंस्टॉल करना चाहो तो मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी जो है अच्छे से काम करता है, तो इसमें भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और जो FM दिया गया है ये भी आपका बिल्कुल वर्किंग रहने वाला है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिलने वाली है। और OK Google इसके अंदर ये काम कर रहा है, तो OK Google फिक्स हो चुका है, पहले काम नहीं करता था। ऐप ड्रॉअर भी यहीं पर दे दिया गया है, बाकी आपका म्यूज़िक ऐप ये सब आपको मिल ही जाता है। एंड अगर हम प्ले स्टोर की बात करते हैं तो प्ले स्टोर आपको इसके अंदर सर्टिफाइड मिलता है, हालांकि पहले भी था और अभी भी सर्टिफाइड ही है, तो सेफ्टी नेट पास रहने वाला है, तो आप विदाउट बिना किसी टेंशन के बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। एंड विजेट्स भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट मिल जाते हैं, बस कुछ नए हैं जो कि जैसे कि क्लॉक की बात करें तो ये सब आपको गूगल वाले इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी मिलेगा। बाकी एंटूड स्कोर 106,589 है, पिछले की बात करें 2 मंथ पहले की तो 104,000 है, जो कि आसपास ही मिलता है। बाकी गेम्स पे सब देखोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से काम करें, उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था स्टार्टिंग जब ऐड हुआ था। बाकी अभी जो है काफ़ी ऑप्शन सब मिल जाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है यहाँ पे, तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं लेटेस्ट वाले, तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलती, बिल्कुल इसी तरीके से ये काम कर रहा है। और जो ग्राफिक है वो हमें स्मूथ पे हाई, बैलेंस पे मीडियम तक ही मिलता है, तो हम यहाँ पे जो है स्मूथ एंड हाई पे खेलने वाले हैं।
और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस जैसे पहले ठीक ठाक मिल रही थी वही सेम टू सेम परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली। इसके परफॉर्मेंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है जैसे, और यूआई के मामले में जैसे कि आपको बताया कि पहले की यूआई थोड़ी ज़्यादा बेटर थी अभी के मुकाबले, अगर हम देखें तो अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है यूआई। जो लैग है जैसे टाइल्स पर भी टैप करते जो एनिमेशन उसके होते हैं उस पर भी आप देखोगे तो हल्का सा लैग मुझे जो है यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है पहले के मुकाबले, एक फ़र्क देखने को मिला। लेकिन गेमिंग में ऐसा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ फीचर्स देखोगे तो उस टाइम के मुकाबले अभी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ऐड कर दी गई इसके अंदर। कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ऐड हो चुका है जो कि पहले काफ़ी नहीं था उतना, बिल्कुल जो भी सेटिंग्स थी नॉर्मल में थी, बट उसकी अब जो है कि क्लॉक का हो गया या फिर ब्राइटनेस का हो गया इन सबका बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग्स हुआ करते थे, अब जो है काफ़ी सारी उन सबकी ही सेटिंग्स देखने को अब मिल जाती। तो इस तरीके जो है कुछ कुछ सेटिंग्स ऐड हो गई हैं, वाईफाई आइकन स्टाइल या फिर सिग्नल आइकन स्टाइल ये सब चेंज कर पाओगे अब, ये सब भी नहीं थे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे चेंजेस तो आपको ज़रूर काफ़ी मिल जाते, बट अगर फ़र्क देखोगे तो यूआई के मामले में ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ही है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको वही सेम मिल जाती है और बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा इंप्रूव आपको मिल जाता है पहले से। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पर मिल जाता है। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो आप, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।